क्या आप जानते हैं पोस्टमार्टम से मौत का समय कैसे पता चलता है? साइक्लोन के अजीबोगरीब नाम कैसे तय होता है? ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं फामी, दामोस, कैटरीना, तितली, इरमा, ये कुछ तूफानों के नाम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके ऐसे अजीबोगरीब नाम कौन रखता है? दरअसल इनका नामकरण अटलांटिक क्षेत्र से 1953 में शुरू हुआ था, जो कि 13 देशों का एक पैनल है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। इस लिस्ट के हिसाब से पहले बांग्लादेश, फिर भारत, ईरान, ऐसे ऑर्डर्स में उनके द्वारा दिए हुए नामों पर इन साइक्लोनों के नाम रखे जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं आने वाले 25 सालों के लिए ये लिस्ट बनी हुई है, जिसके हिसाब से अभी जो साइक्लोन आया था उसका नाम यमन द्वारा तय किए नाम पर यास रखा गया था, और अगला नाम पाकिस्तान के द्वारा सुझाए नाम पर गुलाब रखा जाएगा। फैक्ट नंबर टू, जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनमें तनाव और निराशा 90% ज्यादा होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है बारकोड स्कैनर बीच के व्हाइट पोर्शन को स्कैन करता है, ना कि ब्लैक स्ट्रिप्स को। फैक्ट नंबर फाइव, फ्रेंड्स, हाथ में चुभे हुए कांटे को निकालते हुए आपने कभी देखा है? देखा होगा, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं जितने कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो कांटों को ह्यूमन स्किन से निकालते वक्त लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि आपने आज वो देखा है जो शायद ही पहले कभी देखा हो। फैक्ट नंबर सिक्स, भारत का सबसे महंगा होटल राजस्थान के जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस है। यहाँ पर एक दिन बिताने का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए का पड़ता है। फैक्ट नंबर सेवन, ये आज की माइंड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अगर रेड हाउस लेफ्ट साइड में है और ग्रीन हाउस राइट साइड में, तो बताओ कि व्हाइट हाउस कहाँ होगा? 3 सेकंड देती हूँ। तो आंसर है व्हाइट हाउस अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। क्यों कंफ्यूजन है? मैंने ये नहीं पूछा था कि व्हाइट हाउस किस साइड में है, बल्कि ये पूछा था कि व्हाइट हाउस कहाँ है, तो मिल गया ना जवाब। फैक्ट नंबर एट, क्या आप थम्स अप का एक्चुअल मीनिंग जानते हैं? वैसे थम्स अप का मतलब वेस्टर्न कल्चर में अच्छा माना जाता है, कहीं इसे ओके का सिंबल मानते हैं तो इटली में इसका मतलब एक यानी नंबर वन होता है, और जापान में 5 माना जाता है, लेकिन ईरान में जाकर यही अश्लीलता का भी सिंबल बन जाता है। फैक्ट नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि डेविड एटनबरो ने अपने नाम कर लिया है। तो ये थी आज के जीके पर बेस्ड फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं फोरेंसिक वाले कैसे बता देते हैं कि व्यक्ति की मौत कितने समय पहले हुई है? इसके लिए विसरल टेम्परेचर को चेक किया जाता है। अब ये क्या है? उस वक्त की करंट बॉडी ऑर्गन टेम्परेचर जो होता है उसी को विसरल टेम्परेचर कहा जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, 98.4 माइनस करंट बॉडी टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 1.5। इससे पता चल जाएगा कि मौत कितने टाइम पहले हुई है। अब यहाँ 1.5 एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसमें मौत के बाद बॉडी का टेम्परेचर हर घंटे 1.5 सेल्सियस तक कम होता रहता है। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तो मानकर चलते हैं कि बॉडी के किसी ऑर्गन, किडनी या लीवर, कुछ भी लेकर चलते हैं, उसका टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो होगा 98.4 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमें आंसर मिलेगा 8, यानी कि उस इंसान को मरे हुए लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।